100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। कोरोना महामारी को लेकर झांसी से अच्छी खबर सामने आई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी कोरोना मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में कोरोना के कुछ 30 मरीज सामने आए थे, जिसमें 4 मरीजों की मौत हो गई थी, जबकि 26 लोगों में से कुछ लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं। वहीं जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस मामले में जिलाधिकारी आंद्रा वामसी का कहना है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, ताकि जिले में कोरोना फिर से ना फैलने पाए। जनपद झांसी में कुल मिला के 2458 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसमें 2365 सैंपल्स की जो नेगेटिव पाया गया था। वर्तमान में 54 हमारा मतलब सैंपल की एनालिसिस स्टेज में है, जो पेंडेंसी है, और 9 सैंपल्स को तो पहले से रिजेक्ट कर चुके थे। तो इसके माध्यम से अगर देखा जाए, लगभग 30 केसेस है हमारा पॉजिटिव जो चल रहा था, और आज की तारीख में जितने भी हमारा पॉजिटिव्स है सब नेगेटिव हो गया है। और उस 30 केसेस में 4 केसेस की जो कोविड डेथ हुई थी, उसमें बहुत सारे गंभीर बीमारी का कारण है और बहुत सारे वृद्ध लोग भी है। मुख्य रूप से 2 वृद्ध हैं, 60 साल के ऊपर है और 82 साल के ऊपर है, और 2 लोग हैं जो बेड रिडन है, और एक का तो क्रॉनिक इलनेस चल रहा है अब डायबिटीज़ के माध्यम से, और ट्यूबरकुलोसिस से भी पीड़ित था। यानी जो 26 लोगों में 26 लोग जिनका जो भी है पॉजिटिव जो आए थे, वो तो नेगेटिव टर्न अप हुआ था, और इसमें 18 लोगों को डिस्चार्ज भी हम लोग कर चुके थे। वर्तमान में 8 लोगों को अपने जो 14 दिन की अवधि के हिसाब से हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, तो कल परसों में तो 2-4 लोगों को डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें जो डिस्चार्ज हुए थे उसमें हमारा उत्तर प्रदेश के 3 पुलिस कॉन्स्टेबल्स भी थे क्वारंटाइन कैंप से जो डिस्चार्ज हुआ था, एक UPSRTC का ड्राइवर भी था, और साथ में 2 बच्चे भी हैं, 2 साल के और 5 साल की भी हैं। और हमारा पहला पेशेंट जो निकल के आया था ओरछा गेट के आसपास, जिसको हमने पहला हॉटस्पॉट घोषित किया था, वहाँ उस इलाके की सारी जो भी कोविड पॉजिटिव है सब नेगेटिव हो गया।